सभी मित्रों को बिग एफएम परिवार की तरफ से मैं अनु कपूर अत्यंत दुख और शोक के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि हम सबके आदरणीय प्रिय, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट कलाकार, जिन्हें हम आदर और प्रेम से मन्नादा कहते थे, अब नहीं रहे। आज का ये शो उनकी यादों के सहारे भावभीनी श्रद्धांजलि देने की हमारी कोशिश है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। आज फिल्म इंडस्ट्री के कुछ गणमान्य लोगों के साथ बात करेंगे उस अजीम फनकार की जिसे सारा जहां मन्ना डे के नाम से जानता था। आज हमारे साथ फोन लाइन पे हैं श्री प्यारे लाल जी, आइए उनसे बात करते हैं। बातों का केंद्र बिंदु तो मन्ना दा होंगे। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार प्यारे लाल जी, कैसे हैं भाई साहब आप? अरे फाइन फाइन। आप तो जान चुके होंगे हम सबके प्रिय आदरणीय मन्ना दा चले गए, 24 अक्टूबर को जी हाँ विलीन हो गए, जहाँ से आए थे इतने महान कलाकार। क्या बात। और आपके साथ तो बहुत सारे गीत गाए हैं और इब्तदाई दौर में बहुत सारे कमाल के गीत गाए हैं। मन्ना दा के साथ हमने इतना काम किया है, हर एक गाना, मतलब उन्होंने इतने अच्छे गाए, और हमारे जो खास गाने होते थे जी, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल, वो गाया था जी, फिर दर्पण झूठ न बोले, जी जी बिल्कुल, दर्पण झूठ न बोले, यही क्या बात, जी जी क्या बात, जी शाम शाम ढले जंगना किनारे, पुष्पांजलि फिल्म का, क्या कंपोजर उसमें, एक जगह आप आपके संगीत निर्देशन में जो लास्ट में, तो मन्ना दा ने उस रिपीटेशन के बीच में जो एक वेरिएशन दिया था, आजा राधे आजा तो है शाम पुकारे, आजा राधे आजा तो है शाम पुकारे, आजा राधे आजा तो है शाम पुकारे, याद है आपको भाई साहब, याद है आपको? आजा राधे आजा तो है बहुत, और बताओ आपको, मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि आपको सब चीजें इतना परफेक्टली आपको याद है, कमाल है। आप महान हो, दादा महान है, तो हम तो तुच्छ जैसे, जी जी नहीं नहीं आप दोनों ही आप, बस दादा के साथ क्या होता था, हम कभी मिलते थे ना तो उनसे मैं बहुत सी बातें सीखता था जी, मतलब बैठे हैं जैसे हम लोग जाते भ्रमण तक जाते थे जी काम करने के लिए रिकॉर्डिंग में, तो अगर भ्रमण दादा कुछ काम कर रहे हैं और मंडला फ्री है तो लक्ष्मी में जाके बैठ जाते थे, तो उन्होंने प्यार बहुत दिया है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट आदमी थे, किसी से कोई डरते नहीं, कोई चमचागिरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। वो जब गया था मंडला ने खुद कहा था कि लक्ष्मी प्यारे तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद है और तुम साथ रखोगे, अभी हमारे जो हम बात कर रहे हैं ये तो हमने किया है, लेकिन लोग भूल रहे हैं राज कपूर साहब के लिए जो बिग हिट गाने हैं शंकर जी किशन के, इट्स सॉन्ग बाय मन्ना दा, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ये आवारा से लेके मेरा नाम जोकर, जी 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 जी, ये मन्ना दा हैं, नोबडी एल्स। आज मन्ना दा को श्रद्धांजलि देने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं ग्रेट ग्रेट मास्टर माइस्ट्रो उस्ताद पंडित प्यारे लाल जी, आप महान हो, और मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी क्लासिकल बेस कोई गाना कंपोज हुआ है तो या तो वो द्रुत लय में होता था या मध्य लय में होता था, एकमात्र गाना जो विलंबित लय में कंपोज हुआ है वो प्यारे भाई ने, एलपीजी ने कंपोज किया है और दादा ने ही गाया था, संत ज्ञानेश्वर का गाना है, देखिए, हर नई किरण के साथ मंगल संदेश लायो, जागो रे जागो प्रभात आया, हर नई किरण के साथ मंगल संदेश लायो, जागो रे जागो प्रभात आया। मन्ना दा को श्रद्धांजलि देने के लिए फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेट प्यारे लाल जी, और कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार मुलाकात कब हुई थी मन्ना दा से आपकी? एच डी बर्मन जी के यहाँ हुई थी, और उसके बाद ये काम करते कल्याण जी आने जी के साथ भी चल रहा था इनका, जी जी जी,
इनका गाना रिकॉर्ड होता है बंगन साहब का, तो माँ गा रहे थे तो हम लोग, मैं गया उनके पास जी, और मैं कह के वखाला था, मैं बड़ी सुन रहा था जी, और मुझे अच्छे से याद है वो गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था जी, तो ये अपना इसका था मेरे सूरत तेरी आंखें जी, पूछो ना कैसे मैंने रैन बताया, आहिर भैरव के जो आहिर भैरव के अंदर जी जी, तो ये जब गा रहे थे वो जी, मुझे अच्छे से याद है कि मतलब मन्नत दा गा रहे थे, तो मदना ने पूछा कि इसमें वायलिन कितने हैं पहले जी, मैं बोला हम लोग 8 वायलिन हैं और 2 चेलो हैं जी, हाँ ऐसे बात करे जी, तो वहाँ से आके मुझे बासु है, मुझे बासु दा जी, मतलब बासु मनोली जी है ना जी, जी दादा दादा बासु दादा दादा जी, हाँ जी, तो अपने बासु दा आके मुझे बोले पहले भाई इसके अंतर के अंदर आप से लॉन्ग नोट डाल दो जी, तो मन्नत बोले हाँ खैर इसमें कुछ खराब नहीं लगेगा, तो वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही थी, अगर आप वो गाना कभी सुनेंगे आप देखिए अंतर के अंदर छोटा सा ऑब्लिगेटो है सॉफ्टली जी 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 जी, जो जो चीज बोला नहीं था उन्होंने जी, कि मतलब कोई अरेंज नहीं करने बोला था जी, लेकिन हमने चुपके से रखा था, और वो गाना होने के बाद में मुझे अच्छे से याद है मन्ना दा ने जब गाना गाया, दादा बर्मन दादा जी बाहर आए जी, और बोले मन्ना बंगाली में उनका बहुत ही अच्छा हो गया, तो मन्ना दा कहे कि दादा एक टेक और ले लेंगे अपन लोग जी, बोले नहीं ना ना, तो मुझे अच्छे से याद है हर हर किरण के साथ ये गाना जी फर्स्ट टेक ओके हुआ था जी जी जी, पंडित भरत व्यास के शब्द थे, भरत व्यास जहाँ ज्ञान लहराया, जहाँ ज्ञान धरती पर आया, धरती पर आया। और मैं एक बात और आखिरी में आपको कहना चाहूंगा जी जी, अगर रफी साहब हैं जी, किशोर जी हैं जी, मुकेश जी हैं जी, तो दादा जी बहुत ही ग्रेट हैं जी जी जी, इसमें कोई मैं खुद कहता हूँ आपको, जैसे गुलाब का फूल है उसकी अपनी खुशबू होती है, चंपा की अपनी खुशबू होती है, जूही की अपनी खुशबू होती है, और जिसकी अपनी ओरिजिनल खुशबू है उनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्या बड़ी बात कही आपने, वाह वाह वाह, आपने मेरा दिल जीत लिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की अपनी एक सुगंध है, शंकर जयकिशन की अपनी एक सुगंध है, सचिन देव बर्मन की अपनी एक सुगंध है, जयदेव जी की अपनी एक सुगंध है, मदन मोहन की अपनी सुगंध है, सबकी सुगंधें हैं, इन सुगंधों को कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल ये परमात्मा की दी हुई सुगंध है। अनु जी यू आर ग्रेट, आप इतनी बात समझते हैं और लोगों को समझाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी बात है, आपसे जो सीखा है वही बात रहा हूं। वाह वाह, आपने मेरा मन, क्या बात है, बहुत आभारी हूं, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई साहब। मन्ना दा को श्रद्धांजलि देने के लिए फोन पर इंतजार में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बैठे हैं आनंद जी भाई, कल्याण जी भाई के आनंद जी भाई, चरण स्पर्श करता हूं आपको, मैं बस आपका आशीर्वाद है, और आप जानते हैं कि परम आदरणीय मन्ना दा नहीं रहे आज, आज नहीं है अपने साथ, अपने को छोड़ के चले जी, छोड़ के चले गए, और दो मन्ना बाबू हम लोग मिलेंगे के हुए उससे पहले से, हम लोग जब 1954 में लागू के जी बाद हम शो करते थे चैरिटी शो जी, तो रतलाम जयपुर इंदौर हर जगह जाते थे, साथ में रहते थे जी, और प्रोग्राम में साथ में होते थे, जुड़े होते थे, तो उन दिनों में ट्रेन में जाते जाना होता था जी, ज्यादा जी, तो उससे क्या होता था कि रस्ते में बातें जैसे होते अपन जैसे बातें गप मारते हैं जी, ऐसे बहुत सारी बातें होती थी जी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल साउंड गाने वाले कैसे हैं, फोक में क्या होता है, और सो वे वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब मिलकर बने हम जी, तो पहली पिक्चर में गाना उन्होंने गाया है, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, उसके बाद ये कश्मी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या जी जी जी, ये चला फिर यारी और ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, जो कहीं पे भी आज हर जगह वो गाने बजते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी बातें जो थी अच्छे से पोएट्री मिली उनको, अच्छे गाने उन्होंने गाए, उनको देखा हमको भी अच्छे कंपोज करने का मन होता था जी, 7 साल इनके गाने के फंक्शन था वहाँ पे जी कलकत्ता में जी, फर्स्ट में 2003 में नेताजी स्टेडियम में जी, बंगाल के लोगों ने उनको ऑनर किया था 60 ईयर्स ऑफ मन्ना दा जी, तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे से किसको बुलाना, तो बोले कि आई डोंट वांट एनीबॉडी, आई वांट आनंद जी देयर, अरे वाह, यूं करके मुझे बुला लिया वहाँ पे, वहाँ चला गया मैं, वहाँ जाने के बाद मेरे को बोलते देखो मजाक मत करना, अभी सीरियस मामला है, 60 ईयर्स दे आर ऑनरिंग मी, तो मैं बोले भाई मेरे को काय को बुलाया आपने, बोलिए ना, तो जैसे मुझे स्टेज पे बुलाया तो मैंने वो लोगों को मेरे को बोलते कुछ मस्ती नहीं करना, क्योंकि हम लोग स्टेज पे बहुत करते थे, तो मेरे को मजाक नहीं करना कुछ, तो मैं बोले दादा ऐसा है जब बुलाया तो कुछ तो बोलूंगा तो नहीं जी, और आदमी जिसकी जो चाल है वही चलेगा और तो क्या चलेगा जी, तो लोगों से मैंने बोला कि दा ऑलवेज सिंग फॉर अस, हमारे लिए हर वक्त गाया, मिसेज के लिए कभी उन्होंने गाना नहीं गाया, तो भाभी को ऊपर बोला लिया
फिर कम स्टेज भाभी, तो भाभी भी स्टेज पे आ गई और मैं बोला गाओ जोरा कभी तुम्हें मालूम नहीं बोले नो 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 यू आर टू सिंग पब्लिक ने बोला यू आर टू सिंग यू आर टू सिंग फ्यूचर एक अंतर भी लगा दिया उन्होंने तो दैट वॉज फन और इतने ईमानदारी के साथ कहते थे, रफी साहब की तारीफ करते थे, मुझसे भी कहते थे उसकी क्या आवाज है यार। नहीं नहीं कोई दिखावा नहीं था अपनी सी, मैं आपको बताना चाहूँ आनजी भाई के अपनी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट मन्नादा थे, फर्स्ट में 1919 को पैदा हुए थे। हाँ रामराज से शुरू अभी तक के जी 1929 में ही से 10 साल 11 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। दादा सबसे पुराने, सबसे पुराने म्यूजिक में इन्होंने वो एरा देख रहा है, स्टेज पे शूटिंग इतना होती वहाँ से गाना शुरू हुआ था जी। उसके बाद धीरे धीरे लाइव हुआ था, स्टूडियो में गए, ये सब कुछ हुआ, इन्होंने सब कुछ देखा हुआ था, सब कुछ देखा, सब कुछ देखा दादा ने। और हमारी इंडस्ट्री के जो स्तंभ थे, जो ओरिजिनल जिनको कहते हैं, जिनके पास परमात्मा की सचमुच असीम कृपा थी, मशीनों की कृपा नहीं थी, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा थी, बिल्कुल जी सही, बिल्कुल वो चले गए। तो कभी कभी एकदम वैक्यूम आ जाता है जी, ना इंदौर नहीं दिखते हैं, ना अंजान जी दिखते हैं, ना खिलंज भाई दिखते हैं, ना मुकेश जी दिखते हैं, कभी कोई नहीं दिखता, तो ये लगता है कि वो लामा तो चला गया, हम बैठे हुए बस। आप ये होता था, आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें यही प्रार्थना है। आज आनंद जी भाई ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, अपनी यादों के सहारे मन्नादा को याद किया। आनंद जी भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आनंद जी। नहीं नहीं थैंक यू, सो नाइस अभी मेरे जो बड़ा निकल नहीं रहे कि था दिल में, वो आपने कहने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आदरणीय मन्नादा को हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री सचिन पिलगांवकर जी का। सचिन भाई आपका स्वागत है और हम बहुत आभारी हैं कि आप चले आए दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं इतना हमारे श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि दादा का गाया हुआ एक गीत है लागा चुनरी में दाग, बहुत ही पॉपुलर गीत है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दादा के बाद अगर किसी व्यक्ति ने ये गाना उतने बढ़िया तरीके से गाया तो सचिन भाई हैं। सचिन भाई का ट्रेडमार्क है और मैं तो कहूँगा कॉपीराइट है दादा के बाद। आज आपके मुंह से मुझे, क्योंकि आप बहुत बड़े कलाकार हैं अनु भाई, मैं आपका प्रशंसक हूँ, मैं फ़ैन हूँ आपका, और ना सिर्फ एज एन एक्टर बल्कि जो ज्ञान है आप में और आप जिस तरह से शेयर करते हैं लोगों के साथ, जो क्योंकि अपने आप तक नहीं रखते, आप कंजूस नहीं हैं आप। कंजूस तो नहीं, मैं मानूं ना कंजूस। कुछ अगर कहना चाहें मन्नादा के बारे में। मन्नादा एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं प्रभावित हुआ जब मैं, मेरा ख्याल है 7 साल का था जी। मन्नादा को पूरी तरह समझने की ना तो वो उम्र थी ना ही अकल, लेकिन कान ज़रूर ऐसे हो गए थे कि जो खींचे चले गए मन्नादा की आवाज़ की तरफ। उनकी जो बुनियाद थी गाने की वो शास्त्रीय संगीत से काफ़ी जुड़ी हुई थी जी। क्लासिकल म्यूज़िक जितना एक गायक हमें जब इंडस्ट्री को लगता था तो सबसे पहला नाम लोगों के सामने आता था या जहन में आता था मन्नादा के गाने। मैं समझता हूँ हमेशा अमर ही रहेंगे। उनकी आवाज़ में एक अलग किस्म की एक कशिश थी। किशोरदा ने खुद कहा है कि मन्नादा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। और जब ये दोनों सिंगर साथ में आते थे तो पर्टिकुलरली अगर आप नोट करें, दोबारा एक बार सुनिए बाबू समझो इशारे, आपको महसूस होगा फर्क एक एक्टर के गाने का और एक सिंगर के गाने का। जी 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 जी, आपकी समझ में आ रहा जी, होगा जी, जी, मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट जी टू एवरीबॉडी, बिकॉज सारे आर्टिस्ट हैं ये जितने भी हैं हमारे बड़े हमारी आंखों के सामने, वो सारे आर्टिस्ट हैं जी। लेकिन मन्नादा एक बतौर सिंगर अपनी छाप ऐसे छोड़ जाते थे कि जिसका मतलब गाना खत्म होने के बाद भी वो कानों में गाना वो गूंजता रहता था। और मन्नादा का एक और गाना सर जो मैंने अभी तक तो कभी किसी स्टेज पे नहीं गाया जी, लेकिन वो गाना मुझे बेहद पसंद है मन्नादा का। कौन सा? रविंद्र जैन साहब ने इसका संगीत दिया था जी। फिल्म थी सौदागर जी। मन्नादा के आज भी लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं,
उनमें से एक फैन से हम बात करेंगे फोन पर, तुषार भट्टाचार्य जी कोलकाता से। दादा नमस्कार। नमस्कार जी, आपकी प्रोग्राम तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जी जी, आज बहुत जी, आप जानते हैं दादा मन्नादा नहीं रहे, आप कुछ बोलना चाहें उनके बारे में, आप उनके फैन हैं, हम जानते हैं। बहुत ही फैन हूं जी। मैं कल भी उनकी एक पूरा सीडी सुना जी, कम से कम उसके अंदर एक तो मतलब बंगाली सॉन्ग था वो जी, लेकिन 140 सॉन्ग था जी। हिंदी हिंदी भी मैं वो उसको एक लाइन आपको सुनाता जी, था। जी प्लीज प्लीज प्लीज। सजनी से टूटा है मुझे, नथिनी से टूटा मुझे, कजरारिया थिया जय जय रोती रे, नथिनी से टूटा मोती रे। आपने बहुत रेयर गाना दादा का सुना दिया, नथनी से टूटा मोती रे। और बंगला के तो उनके गाए हुए बहुत गाने मशहूर हैं, वो जरा गाना गुनगुना दीजिए, ओम अभिमाने चोले जे हो ना, वो जरा गुनगुनाइए। अभिमाने चोले जे हो ना, अभिमाने चोले जे हो ना जी, अखोनी से शेर गान गेओ ना गेओ ना, अभिमाने चले गेओ ना, अभिमाने चले गेओ ना। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मन्नादा थ्रू योर रिमेम्बरेंस। मन्नादा का वो गाना सुनेंगे, ललिता ओ ललिता, ललिता ललिता गो के आज चले जेते बोलना, के आज चले जेते बोलना, ओ घाटे जल नीते जाबो ना जाबो ना, ओ घाटे जल नीते जाबो ना जाबो ना, ओ सखी अन्न घाटे चलना ललिता, ओके आज चले जेते बोलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मन्नादा को श्रद्धांजलि देने के लिए ना सिर्फ विशिष्ट अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि फ़ोन के ऊपर अभी आपने देखा कोलकाता से श्री तुषार भट्टाचार्य जी भी, उन्होंने दादा को दादा के गाए हुए गीतों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे फ़ोन लाइन के ऊपर, ये हो सकता है बहुत कॉमन लोग हों, उनमें से कुछ नामी लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सब अपने अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं दादा के प्रति, इस ग्रेट ग्रेट आर्टिस्ट के लिए, एक महान अजीमुशान फनकार के लिए। सब अपने अपनी भावनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं दादा के प्रति, इस ग्रेट ग्रेट आर्टिस्ट के लिए, एक महान अजीमुशान फनकार के लिए। फोन लाइन पर हैं अरुणिता मुखर्जी। अरुणिता जी, अगर मन्नादा को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ कहना चाहें, आप उनकी फैन रही हैं। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं उनको थोड़ा बहुत लगभग 15 साल पहले किसी प्रोग्राम के दौरान जी उनको उनसे मेरी जान पहचान हुई थी जी, तो मैं उनको अंकल बुलाती थी बहुत प्यार से, और मुझे मैंने जैसे उनको देखा, ही वॉज अ वेरी lovely human being, and I've always seen him as a, more than an artist, I've seen him as a loving husband. Ji. So he was very close to his wife, that is Sulochana aunty. Ji. And somehow today I feel that he has lived a life of the 94 years, aur unhone ek complete circle kiya, ek life ka ek complete kiya unhone life. And after the demise of aunty, I rather felt, I told my friends that maybe he will not live anymore. जी, because he was so attached to his wife, and today somehow somewhere I'm a little happy about him, that maybe he'll be a happy man to be united with his wife. जी, आंटी को बहुत प्यार करते थे, सुलोचना आंटी को बहुत प्यार करते थे, बहुत बहुत बहुत, and he was very fond of food, and I've always seen him as a man जो मतलब उनके घर में वो जू में जब रहते थे, वो बंगला जो था, बंगला जो उनका था ना, मतलब कुछ
15 साल पहले तक वो थे, 12-15 साल पहले का जी। तो वो ऐसे एक इंसान थे, मतलब वो जैसा कोई कुत्ता भी अगर बहुत बदतमीजी करे तो उसको भी थप्पड़ मार दे, कोई चोर घुसा है तो उसको घुसा मार दे। सो आई नेवर सीन हिम एज एन ओल्ड मैन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो कभी वो मुझे वो बूढ़े नहीं दिखे। इवन व्हेन ही यूज्ड टू क्लाइंब अप एंड डाउन द स्टेयर्स ही वाज वेरी अजाइल एंड वेरी फिट। आई हैव ऑलवेज सीन हिम एज अ जैसे वो रेसलर थे ना, वो कुश्ती करना बहुत पसंद था उनको। So he was always like that. मतलब मैंने लास्ट जो उनको देखा था, he was a very healthy man. And one thing I said, maybe जो भी मैंने जो कुछ भी सुना है, you know how far it is true with his relatives and people who took care of him in his last days. I feel that maybe शायद उनका 4-5 साल शायद उतना अच्छा नहीं गया। अच्छा। And maybe he could have been brought to either Mumbai or Calcutta, जहाँ पे उन्होंने काम किया, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। I feel that should have been more justified because अगर आंटी के बाद अगर उनसे कुछ को उनको अगर कोई प्यार करते थे तो उनके फैंस और उनके इतने जो चाहने वाले हैं। उनकी जो दोनों बेटियां थी उनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, कुछ पता है? ये मैंने सुना था, देखिए मैं कभी उन लोगों से तो कभी मिली नहीं हूँ। एक यूएस में है, शी इज नॉट सो वेल, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज हर्ड। एंड द अदर सिस्टर शी स्टेड इन बैंगलोर जहाँ पे अंकल रहते थे। जी। So I have heard about them, but I personally really don't know them. तो वो होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, जो भी होगा, मतलब भगवान करे वो अगर ट्रू ना हो, दैट दे शुड लव द फादर अनकंडीशनली, मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी लेकर कुछ प्रॉब्लम हो। अरुणिता जी, आपको दादा और आंटी दोनों बहुत प्यार करते थे, ये हमें पता है। आज दादा नहीं रहे हैं, आंटी भी नहीं रही हैं। जी। कौन सी घटना है, अगर और कुछ बताना चाहें? बहुत कुछ आपने शेयर किया और आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ जी, घटनाएं तो बहुत है। मैं उनके घर पे जाती थी, आई हैव सीन हिम डूइंग हिज रियाज आल्सो, प्रैक्टिस करते थे जब, तब भी मैंने देखा। बहुत सारी चीजें बताते थे, अभी एसोसिएशन तो ऐसे ही हो जाते। आई हैव बीन टू हिज प्लेस इन बैंगलोर आल्सो जी। तो एक बार बहुत पहले, मतलब 2001 में गई थी जी। एंड बहुत सारे गाने, अंकल के गाने, बंगाली सॉन्ग से लेकर, मतलब जो भी गाना आप कहो हिंदी में। नॉट ओनली एक सिंगर के तौर पे, बट ही वॉज वेरी एजुकेटेड। वी एन आंटी, आप अगर उनका जो, इफ यू लिसन टू द वे दे स्पीक इन दैट आर्टिकुलेट इंग्लिश, आपको, मैं तो कभी कभी सोचती थी कि उनके सामने बैठ के पढ़ाई करूँ। They were so good in English, both of them, auntie and uncle. And he loved her. He loved her. I mean, मुझे ताज्जुब हो रहा है, इतना दिन भी वो कैसे जी लिए आंटी के जाने के बाद, इतने दिन कैसे जी लिए? Yeah, I really feel because he was so attached. कुछ भी होता था वो, मतलब सुलोचना आंटी से, मतलब हर चीज, एक खाना हो चाहे जो भी हो, कहीं जाना हो, कुछ पेन चाहिए, डायरी चाहिए, जो भी है, इट वॉज ऑल अराउंड सुलोचना आंटी। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी यादें वेरी नाइस पर्सन शेयर की। जो आपने एक नया एंगल बताया आंटी के बारे में, वो तो हमारे दर्शक, आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग सैड फॉर हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फील दैट मे बी ही मस्ट बी अ हैप्पी मैन समवेयर। अनिता मुखर्जी जी, आपने जो दादा को श्रद्धांजलि दी अपनी यादों के सहारे, उसके लिए मैं इस प्रोग्राम की तरफ से, बिग एफएम की तरफ से बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।